नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शनि जयंती के बारे में। शनि जयंती हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इसी अमावस्या तिथि को उत्तर भारत में वट सावित्री की भी पूजा होती है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। शनिदेव न्यायप्रिय देवता कहे जाते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि शनिदेव की कृपा दृष्टि उस पे बनी रहे और उसके परिवारजनों पे बनी रहे। शनि जयंती के दिन जिन पे शनि का दोष चल रहा है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, वो इस दिन खास तौर से शनिदेव के नाम पे शनिदेव के लिए व्रत करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रों स्तोत्रों का जाप करवाते हैं, पाठ करवाते हैं। 2023 में अमावस्या तिथि का प्रारंभ 18 मई की रात में 9:42 से शुरू हो रही है और 19 मई की रात में 9:22 पे समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर शनि जयंती का पर्व 19 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि जिन पे शनि दोष का असर चल रहा है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, या जो सामान्य भक्तगण हैं, वो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती पर क्या खास कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए। शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। उनके मंदिर में ही बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें, उनके स्तोत्रों का पाठ करें और उनके मंत्रों का जाप करें। लेकिन अगर आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं, मंदिर आप नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पे ही शनि यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। उनके स्तोत्रों का पाठ, शनि चालीसा का पाठ और मंत्रों का जाप आप घर में भी कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन शमी वृक्ष की पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को आग का फूल बहुत ही प्रिय है। शनि जयंती के दिन शनिदेव को काली उड़द, काला तिल, गुड़ और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इस दिन गरीबों को जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। उन्हें वस्त्र का दान, अन्न का दान, खाने पीने की जो भी वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं वो कीजिए, बहुत ही पुण्यदायी होता है। शनि जयंती के दिन काली गाय को, काले कुत्ते को काली उड़द, तिल और गुड़ खिलाइए। कहने का तात्पर्य यह है कि शनि जयंती के दिन अपनी पूजा पाठ के साथ दान पुण्य का जितना भी आप कार्य कर सकते हैं वो कार्य कीजिए, उससे शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होंगे। शनि जयंती के दिन क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट से दूर रहना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी गलत कार्य हैं, जितने भी अहिंसा के कार्य हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। शनि जयंती के दिन शनिदेव के नाम पे संध्या वक्त में दीपदान अवश्य कीजिए। अपने मुख्य द्वार पे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शमी के वृक्ष में तेल का दीपक जलाइए और पीपल वृक्ष में तेल का दीपक जलाइए। दोस्तों, शनिदेव को ठंडा जल बहुत ही प्रिय है। ऐसे में ठंडा जल शनिदेव को अर्पित कीजिए और ठंडा जल गरीबों को, ब्राह्मणों को जितना भी दान कर सकते हैं दान कीजिए। संक्षेप में कहने का तात्पर्य ये है कि शनि जयंती के दिन शनिदेव की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा पाठ के साथ गरीबों को, ब्राह्मणों को जितना भी हो सके दान पुण्य का कार्य कीजिए। हनुमान भक्तों से भी शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि आप पे और आपके परिवार पे बनाए रखें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी बातों के साथ। नमस्कार।